आपके लिए प्रोटीन पाउडर की एक छोटी सी रेसिपी, होममेड है। हमें कोई बॉडी बिल्डर नहीं बनना, नॉर्मल जो प्रोटीन की जो कमी रहती है उसके लिए हम इसको यूज़ कर सकते हैं। तो ये होममेड सारे इंग्रेडिएंट हैं। तो पहले ये है चना, चना समझ गए, ये मैंने छील दिया है, ये घोड़े खाते हैं वाला चना, ओके। दूसरा ये चने मैंने लिए हैं 30 ग्राम, इसका पाउडर बनाना है, ठीक है। चना ये दाल नहीं है, हाँ चना है खाने वाला, हाँ। फिर उसके बाद मैंने लिया है ओट्स 30 ग्राम, ये मेरा स्केल है, यहाँ से मैंने स्केल पे नाप के लिया है, ठीक है 30 ग्राम, ये मैं छोटे मोटे बना रही हूँ। फिर मैंने लिए ये रोस्टेड पीनट्स, रोस्ट कर दिए हैं, ये है 30 ग्राम। फिर उसके बाद मैंने लिए हैं थोड़े से बादाम, और ये है वॉलनट, मतलब क्या बोलते हैं, अखरोट, सॉरी हाँ। तो आमंड लिए हैं मैंने, ये लिया है मैंने 20 ग्राम्स, और अखरोट लिया है मैंने 10 ग्राम, ठीक है गाइस। अब ये है फ्लैक्स सीड, अब हिंदी में क्या बोलते हैं डोंट नो, ये 20 ग्राम्स लिए है फ्लैक्स सीड, ये देखिए ये फ्लैक्स सीड, ठीक है ये 20 ग्राम्स लिए मैंने। और लास्ट में ये मुझे चाहिए 2 चम्मच कोको पाउडर, ठीक है। अब इसको हम सबको मिक्सी में ऐड करते हैं। तो गाइस देखिए, ये है रोस्टेड पीनट्स, ये है अखरोट और बादाम, ये है मेरे चने, और ये है फ्लैक्स सीड, ठीक है। अब आटा पिसा हुआ है तो इसको डालने का मतलब तो है नहीं, डाल सकते हो, पर अगर आपके पास अखे ओट्स है, मतलब पूरे ओट्स है तो पीस लीजिएगा, मेरे पास आटा ऑलरेडी रहता है तो मैंने खाली ऐसे ही रखा है, और कोको पाउडर लास्ट में डालेंगे। लेट्स ग्राइंड। तो देखिए गाइस, ये देखिए पाउडर रेडी हो गया है, इसको मैं कटोरे में डाल देती हूँ। ये देखिए ये मसाला है, अब मैं इसमें डाल दूंगी ये ओट्स का पाउडर, आई मीन ओट्स का आटा, ठीक है, इसको मैं मिक्स करूँगी। तो गाइस देखिए ये पाउडर रेडी हो गया है, अब इसमें डालूंगी मैं 2 चम्मच कोको पाउडर, 1। अब इसको हम अच्छे से मिक्स कर दिए। तो गाइस देखिए, ये आपका रेडी हो गया है प्रोटीन पाउडर, एकदम नेचुरल, कोई इसमें प्रिजर्वेटिव नहीं है, और ये आप 1 चम्मच डेली पानी के साथ या दूध के साथ मिला के ले सकते हैं। धन्यवाद।